हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ई ट्यूटोरियल आप विनायक पब्लिक स्कूल खजुराहाट अयोध्या। माय नेम इज रचना सिंह। आई विल टीच यू टुडे ग्रामर आप क्लास थर्ड। लेट्स स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा कॉन्सेप्ट है प्रोनाउन, नाउन, नंबर एंड आर्टिकल्स के बारे में हम इसकी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। सो आज हम जानेंगे व्हाट इज प्रोनाउन, सर्वनाम क्या है। प्रोनाउन सब्स्टिट्यूट्स आ नाउन। कहने का मीन्स है सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। सी, ही, दे, आई, वी, यू एक्सेट्रा, ये सारे वर्ड्स जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये सभी वर्ड्स क्या हैं? प्रोनाउन हैं। फॉर एग्जाम्पल, भानु मेरा दोस्त है, भानु प्यारा है, भानु इज माई फ्रेंड, भानु इज क्यूट। अब आप नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, भानु मेरा दोस्त है, वह प्यारा है, भानु इज माई फ्रेंड, ही इज क्यूट। डियर स्टूडेंट्स, अब आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस में भानु शब्द जो है वो दो बार उपयोग किया गया है, बट उसके नीचे जो वाक्य दिए गए हैं उसमें भानु की जगह पे वह यानी कि ही यूज़ किया गया है। यही ही वर्ड जो है वो क्या है? प्रोनाउन है, क्योंकि भानु वर्ड जो है वो एक संज्ञा है और संज्ञा के स्थान पर हमने ही वर्ड यूज़ किया है जिसे प्रोनाउन कहा जाता है। आइए अब हम प्रोनाउन के प्रकार के बारे में जानते हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पैसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंटेंसिव प्रोनाउन, इंडेफिनेट प्रोनाउन, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटरगेटिव प्रोनाउन। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।